हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो अभी मंडे को तो मार्केट क्लोज है, सो मंडे को आपको हमारी वीडियोज़ नहीं मिलेंगी, बट आप मेक श्योर करना, ये 3 दिन का आपको वीकेंड मिला है, तो आप मेक श्योर करना कि आप अच्छे से चार्ट पे प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतना आप करो, आप यूज़ करो इन छुट्टी के दिनों का, आप यूज़ करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो सके। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग, अपने पैसों को काम पर लगाएं। तो आप लोग भी जानते होंगे और कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि अगर हम अपने पैसों को काम पर नहीं लगाएंगे तो हमें फिर लाइफ टाइम उसके लिए वर्क करना पड़ता है। एंड अगर हम पैसों को काम पर लगाते हैं, मतलब पैसिव इनकम का अगर हम सोर्स अपने लिए क्रिएट करते हैं, तो फिर हमें हमारा पैसा हमारे लिए वर्क करता है, राइट? सो स्विंग ट्रेडिंग इसका बहुत ही अच्छा एक सोर्स होता है, पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जिसको हम काफ़ी निगलेक्ट करते हैं इंट्राडे के सामने, बट ये बहुत अच्छा सोर्स होता है पैसिव इनकम जनरेट करने का। तो स्विंग ट्रेडिंग से अपने पैसों को काम पे लगाइए। आप लोग भी अगर आपने अभी तक स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया तो आप लोग स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके भी पैसिव इनकम का कोई सोर्स हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो। इन केस आपको भी हमारी स्ट्रैटेजी अगर अभी तक नहीं पता है, क्योंकि डेली इस चैनल पे काफ़ी नए नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो अगर आपको स्ट्रैटेजी हमारी नहीं पता है तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो। मैं उसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। एंड ये शीट भी हम यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, तो आप ये देख के आओ इसको कैसे यूज़ करते हैं। एंड ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है आप लोग कमेंट करो। डेली हम काफ़ी लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिन लोगों को भी नहीं मिली है आप लोग कमेंट करो। बहुत से लोग अभी भी बच्चे हैं मुझे पता है, तो कमेंट करो, आपको ये फ्री में हम प्रोवाइड कर देंगे, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्कैनिंग। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, हम वीडियो में एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी देखेंगे। तो वीडियो स्कैनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी, कितने लोगों ने डिक्सॉन में ट्रेड लिया था? ये कल हमने देखा था, स्टार मार्क करके हमने रखा था, यहाँ पे हमारा सेटअप था, ये जो था ये हमारा सेटअप था। वन सेकंड, ये देखो इस कैंडल पे हमारा सेटअप जो था, मैंने इसको स्टार मार्क करके भी रखा था डिस्क्रिप्शन में। तो कितने लोगों ने ट्रेड लिया था ये बताओ। देखो ये आज ही देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है, 1:1 से ही भी ज़्यादा, बस थोड़े से के लिए आज हमारा 1:2 रह गया, 1:2 आज ही अचीव हो जाता। बट थोड़े अगर आप इस कैंडल का लो लगाया होगा आपने तो आपका 1:2 हो गया होगा, बट मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोअर लो को स्टॉप लॉस लगाओ, मतलब करंट कैंडल या प्रीवियस कैंडल का जो लोअर लो हो उसको स्टॉप लॉस लगाओ। तो इसीलिए आपका थोड़े से के लिए रह गया टारगेट। तो अभी आपको पैनिक नहीं होना है, आपको वेट करना है कि आपका 1:2 अचीव हो। बट देखो ये कितना अच्छा परफॉर्म किया, ये होता है क्लियर सेटअप, जो मैं कहती हूँ आपको कि क्लियर सेटअप पर ट्रेड करो, क्लियर सेटअप पर ट्रेड करो। तो ये एकदम ए क्लास सेटअप है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि आपको इस टाइप के ही सेटअप चाहिए। देखो स्विंग भी काफ़ी अच्छा है, कैंडल भी बहुत अच्छी सी बॉडी वाली बनी है, राइट? सो ये शूटिंग स्टार नहीं है। इन केस आपको ये लग रहा है शूटिंग स्टार है, तो ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये अच्छी बॉडी वाली कैंडल है। शूटिंग स्टार मैं आपको दिखाती हूँ, ये है शूटिंग स्टार, देखो यहाँ पे ये शूटिंग स्टार है, राइट? ये शूटिंग स्टार नहीं है, बहुत अच्छी सी बुलिश कैंडल है, वो अच्छी बॉडी वाली कैंडल है। तो आप इसका डिक्सॉन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो रेफरेंस के लिए, जब आपको समझ में नहीं आए कि कैसा ट्रेड लेना है तो आप इसका रेफरेंस लेके रख सकते हो। तो ये होता है सिंपल स्ट्रैटेजी का पावर, ये होता है। मैम मुझे आपको बस ये दिखाना था, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉसेज नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेज होंगे, बट मुझे दिखाना था कि अगर आप ए क्लास सेटअप्स लेते हो तो उसका पावर क्या होता है। चलो फटाफट से स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट तो क्लोज है मंडे को, तो मैं कह रही थी कि आप लोग अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करना, क्योंकि उस दिन तो हमारी वीडियो आपको मिलेगी नहीं, जिस दिन मार्केट बन रहा था उस दिन हमारी वीडियो आपको नहीं मिलती है। एंड वन मोर थिंग, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो जब भी आपके एरिया में जब भी इलेक्शन हो आप अपने इस वोटिंग राइट को आप यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा राइट हमें मिलता है जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जिसको भी चूज़ करते हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स डिसाइड करता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा। सो आप लोग एकदम वाइजली आप अपने इस वोटिंग राइट को यूज़ करना एंड वोट ज़रूर देना। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है मेरी, वोट ज़रूर देना आप लोग। आप लोग अवेयर करो अपने अगल बगल भी लोगों को, अवेयर करो वोट देने के लिए, क्योंकि हम उस दिन ना छुट्टी का सोच के हम लोग उस दिन सो जाते हैं। जिस भी दिन हमें इलेक्शन के लिए छुट्टी मिलती है हम उस दिन छुट्टी बनाने लगते हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग वोट दो उस दिन, उसके बाद आप लोग छुट्टी इन्जॉय करो, बट वोट दे देना आप लोग, ओके? एंड बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा राइट होता है जिसको हम नहीं जानते हैं। बहुत से लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी पावर होती है, हमारा एक वोट जो होता है बहुत प्रेशियस होता है।
तो एकदम सोच समझ के आप वोट देना, आपको जो सही लगता है उसको वोट देना, बट बिल्कुल सोच समझ के देना। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारी स्कैनिंग में। देख लो, एक एक करके आपको इस तरह स्कैन करना है। मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं वोटिंग की बात करने लगी थी। एक्चुअली अभी वोटिंग चल रहा है ना, तो ये हमारा एज एन इंडियन हमारा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इस वोटिंग राइट को यूज़ करें, क्योंकि हमारे हमारी कंट्री के लिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को भी बोल दूँ एक बार। देखो यहाँ पे भेलम में हमने लिया था, ये हमारा अभी ऑनगोइंग है, हमारा अभी टारगेट है स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। सो ये वोटिंग वाला बिल्कुल ट्रेडिंग से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी, मुझे पता है, बट मैं इस चैनल के मीडियम से मैं ये एक मैसेज देना चाहती थी आप लोग को कि अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ करो एंड काफ़ी वाइजली यूज़ करो। किसी भी झांसे में आके या किसी आप प्रॉपर अपने आपके लिए क्या सही है, क्या डेवलपमेंट आपको मतलब आपके लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हमारे पास राइट होता है, वोटिंग का जो राइट होता है ना हमारा, बहुत हम प्रेशियस हैं अपने कंट्री के लिए, हमारे ये वोटिंग बहुत प्रेशियस होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने ट्रेडिंग पे वापस आते हैं, बहुत हो गई वोटिंग की बात। सो देखो अभी तक तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो हम ग्रीन कैंडल पे नहीं करते हैं, हम वेट करेंगे यहाँ पे। अब हमें, अब तो ट्यूसडे को डायरेक्ट मार्केट खुला है, तो यहाँ कल तो एक घंटे के लिए वो बस सेशन है, तो कल तो वैसा कोई ट्रेडिंग का डे है नहीं, तो अब जो प्रॉपर मार्केट खुलेगा वो ट्यूसडे को खुल रहा है। सो वेट करेंगे हम ट्यूसडे को जो कैंडल बने वहाँ पे। देखो डिक्सॉन का तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, कितने लोगों ने डिक्सॉन ट्रेड किया था जेन्युइनली आप लोग कमेंट करो, मैं पढ़ना चाहूँगी कितने लोग एक्शंस ले रहे हैं। क्योंकि देखो जब तक आप नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ गार्बेज, ओके, जब तक आप नॉलेज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो ना, वो गार्बेज होता है आपके लिए। तो मैं देखना चाहूँगी कितने लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। टारगेट एंड स्टॉप लॉस का नहीं आपको सोचना है, वो पार्ट एंड पार्शल ऑफ गेम होता है, बट आपका फोकस होना चाहिए बेस्ट ट्रेड्स आप कैसे लो, ये आपका फोकस होना चाहिए। देखो ग्रासिम में हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन यहाँ पे फिर हमें सेटअप आया, तो आपको सही लगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट आपके रिस्क में बैठे तभी आप देखना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस कैंडल का लो लोगे तो काफ़ी बढ़िया आपकी कैंडल बन जाएगी। तो आपके रिस्क में बैठे ये रिस्क मैनेजमेंट में डाल के देखना, आप हाई लो एंड आपका जो डिसाइडेड रिस्क होगा उसी के अंदर अगर क्वांटिटी आ रही होगी तभी आप लेना। ओके, आपको रिस्क मैनेजमेंट शीट तो यूज़ करना आ गया होगा ना, आई होप आप लोग को सबको आ गया होगा कैसे शीट को यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं 3 मंथ से मैं बता रही हूँ ये। इनकेस आपको नहीं आता तो आप एक बार रिपीट कर करके देखो, आप एक बार रिवाइज करके देखो। ओके, वीडियो को आप रिपीट कर करके देखो, प्लेलिस्ट में है वीडियो सब, स्टार्टिंग वाली वीडियो सब देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। एचएल में देखो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है, देखो 4-5 डेज में मोर देन 10% आपको मिला है। 10% तो नहीं, आपको मोर देन 10% मिला, बट आपको 1:2 पे ही एग्जिट करना है, आपको उससे ज़्यादा का आपको लालच नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, आज लगता है हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, पहले से हमारे बहुत से ट्रेड ओपन है। इंडियन होटल्स में देखो यहाँ पे हमें शॉर्ट का मिला, बट काफ़ी छोटी सी कैंडल है, देख रहे हो आप, तो हम यहाँ पे इस पर नहीं शॉर्ट करेंगे। कैंडल्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रेड्स निकालोगे तो कैंडल्स पे भी आपको प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। सो आप चार्ट मार्किंग करके हमें भेज सकते हो, आप क्रॉस ओवर मार्क करो, रेंज बाउंड मार्क करो, आई मीन साइडवेज, आप ये सारी चीज़ें मार्क करके हमें भेज सकते हो। क्रॉस ओवर भी आपको समझ में आ गया होगा, क्रॉस ओवर क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्रॉस ओवर है, ये जो है ये क्रॉस ओवर है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, क्रॉस ओवर है। सो आप मार्क करके हमें भेज सकते हो, आपको हमारे तरफ से बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा, आप उसकी फिक्र मत करना, थोड़ा डिले हो सकता है आपको रिस्पॉन्स मिलना, बट मेल पे आप भेजो, हमारी टीम जो है मैं ही चेक करूँगी, हमारी टीम जो है आपको रिस्पॉन्स लेकिन देगी जब चेक हो जाएगा। तो तो अच्छा लगेगा हमें भी देख के, आप चार्ट में आप कुछ कुछ सीख पाओ, तो क्योंकि ये चैनल आप ही लोग के लिए बना है ना, आप ही लोग के लिए क्रिएट किया गया ये चैनल, तो आपके लिए जितना ज़्यादा फ़ायदा हो वो हम चाहेंगे, आपको जितना ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। एंड ये सारी सर्विस जो भी इस चैनल पे बहुत से लोग हमें मेल कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ये सब ट्रैप में मत फंसा करो, बहुत से लोग हमें मेल करते हैं पेड सर्विस एंड ऑल के बारे में। देखो ये सारे इस चैनल पे M&M में देखो दोनों ट्रेड देखो कितने ब्यूटीफुली वर्क किए हैं, देखो ये ट्रेड था ये ट्रेड था, कितना ब्यूटीफुली वर्क किया, आप खुद ही देखो, देख लो आप।
तो सिंपल स्ट्रैटेजी इनफ होती है आपको पैसे बना के देने के लिए, बट द थिंग इज कि आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ। एंड हम क्या करते हैं ना, हम इधर उधर स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं। अगर हमें फ्री में कुछ मिलता है ना, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं कोई पेड स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई और स्ट्रैटेजी मिल जाए, या एक दो स्टॉप लॉस हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं अरे ये तो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई और स्ट्रैटेजी मिल जाए। देखो NMDC में भी यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, ये हमारा 1:1 अचीव हो चुका है। तो हम जो अच्छी चीज़ हमें मिल जाती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो मैं आप लोग को बोलूँगी ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करना। आपको जो स्ट्रैटेजी मिली है काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप प्रैक्टिस करो तो आपको खुद समझ में आएगा ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती है। मैं ऐसे ही चिल्लाते रहती हूँ। मैं कह रही थी कि आप लोग इन ट्रैप में मत फंसा करो। कुछ लोग हमें मेल करते हैं पेड सर्विस एंड ऑल के बारे में, तो इस चैनल पे आज और आगे भी कुछ भी सर्विस अगर आपको मिलेगी तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। इस पे कोई भी पेड सर्विस आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चैनल हम लोगों का नहीं, ये चैनल आपका है। तो आपके आपको अपने चैनल पे कभी भी कोई पेड सर्विस नहीं मिलेगी, इसके लिए आप एकदम वरी मत करना। एंड इन सब ट्रैप में मत फंसा करो, इसीलिए लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग भी हमें मेल कर रहे हैं, मैं उन लोग को बोलना चाहूँगी आप इन सब ट्रैप में प्लीज़ मत फंसा करो। दूसरे लोगों को भी आप ऐसे ऐसे मेल करते होगे, इसीलिए आप लोग को लोग ट्रैप में फंसाते हैं। तो ये सब पेड वेड के चक्कर में आप नहीं फंसो। आपको जो भी चाहिए इस चैनल पे सर्विस, सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो एकदम वरी मत करो आप। आज तो लगता है हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, पहले के ट्रेड्स हमारे ऑनगोइंग अभी चल रहे हैं बहुत से। सिंजिन में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे हमें रेड कैंडल चाहिए थी बट हमें तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल गई। एंड ये वैसे भी एक जोन में है, आप देखो साइडवेज जोन में है ये, तो वैसे भी हम ट्रेड नहीं लेते इस पर। TCS देखो हमारा ऑनगोइंग है, यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, ये हमारा ऑनगोइंग है अभी। अभी ना तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ है ना हमारा टारगेट हुआ है TCS में, तो आपको वेट करके रहना है एकदम। आपका टारगेट है स्टॉप लॉस हो तब भी आपको एग्जिट करना है। ओके, एंड में हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे, पहले हम स्टॉक स्कैनिंग को कंप्लीट कर लें। निफ्टी 200 की लिस्ट है ये हमारे पास, आप चाहो तो आप निफ्टी 500 में भी स्विच कर सकते हो, अगर लेकिन अगर आप एक्सट्रीम बिगनर हो तो स्टिक टू निफ्टी 200, उसके आगे मत जाओ अभी। आप कुछ दिन आप निफ्टी 200 में ही रहो। एंड दूसरा, अभी थोड़ा बिग इवेंट होने वाला है तो मार्केट साइडवेज भी, मार्केट वोलाटाइल भी रहेगा काफ़ी, तो इसीलिए अभी आप निफ्टी 200 में स्टिक रहो, उसके आगे आप नहीं जाओ। सो देखो ये आज रेंज से बाहर निकल चुका है। जाइडस जो है ये इतने दिन ये रेंज में मूव कर रहा था, ये जो रेंज था इसी में मूव कर रहा था, ये देखो आज इससे बाहर निकल चुका है। अब हम इसमें ट्रेड कब लेंगे, जब ये हमारा मूविंग एवरेज जो है, मैं आपको ड्राइंग्स करके दिखाती हूँ, हमारा मूविंग एवरेज जो है इस तरह से ऊपर जाएगा, राइजिंग हो जाएगा, एंड प्राइस भी इस तरह से मूव करते करते मूविंग एवरेज पे आएगा, एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बनेगी तब हम उसमें ट्रेड लेंगे। आई होप आपको ये ड्राइंग समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल ड्राइंग है। तो जब तक साइडवेज में रहेगा हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, तो चलो फटाफट से अब बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। सो निफ्टी में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे हमारा बाई ट्रेड हमने लिया था इस कैंडल पे, तो अभी ये ऑनगोइंग चल रहा है, हमारा टारगेट है स्टॉप लॉस, कुछ नहीं हुआ है, तो वेट एंड वॉच करते जाना है। या तो इस रेजिस्टेंस से ये वापस आ सकता है, या तो फिर अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी हमने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, तो या तो ये इसी रेजिस्टेंस से वापस आ सकता है, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, या तो ये अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने जा सकता है। तो आपको कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच कैसा क्या है दिख रहा है चार्ट पे। चार्ट को रीडिंग करना सीखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पे टाइम बिता सकते हो उतना बिताओ। एंड यस, अपने वोटिंग राइट्स को बहुत ही सेंसिबल तरीके से यूज़ करो। सेकंड, चार्ट्स पे मार्किंग करो, जितना ज़्यादा ज़्यादा चार्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। सो डन फॉर द डे। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है कमेंट करना आप हमें, हम आपको ये फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड डिक्सॉन में किन लोगों ने ट्रेड लिया था बताओ ज़रा, मैं नाम लेना चाहूँगी उन लोगों का जिन लोगों ने एक्शन लिया था, क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं वही लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। एंड कोई भी डाउट्स हो वो भी आप कमेंट करो, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।